माओवादी हैं, फासिज्म है, येड़ा है, राक्षस हैं, क्या हैं? आइए जरा राजनीतिक बिसात पर इस देश के हालात के बीच अरविंद केजरीवाल की पहल और राजनीतिक दलों की पारंपरिक राजनीति के बीच एक रिपोर्ट हम आपको दिखलाते हैं। सत्ता के प्रतीक लोटियंस की दिल्ली के सबसे वीवीआईपी चौराहे पर सरेराह दिल्ली का मुख्यमंत्री सत्ता को ही चुनौती देते हुए बैठा, तो जिस अंदाज में राजनीतिक दलों ने इसे अराजकता करार दिया और बौद्धिक तबका भी इसी बहस में जुटा कि सत्ता चलाने का केजरीवाल तरीका पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो चला है कि क्या अराजकता का ये चेहरा चुनाव में असर दिखाएगा या बेअसर हो जाएगा, क्योंकि जो आंदोलन या संघर्ष सत्ता पाने के लिए होती है वही आंदोलन या संघर्ष सत्ता पाने के बाद कैसे हो सकती है। तो पहला सवाल, व्यवस्था अराजक है या व्यवस्था बदलने के नाम पर अराजकता है? ध्यान दें तो केजरीवाल की पहल ने 60 बरस की राजनीति को ही झटका दिया, जिसे हर राजनीतिक दल लोकतंत्र मानता रहा। तो क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राजनीतिक दलों का ये बयान सही है कि केजरीवाल की पहल पागलपन है या अराजकता फैलाने वाली है? या फिर संसद की तरफ जाती सड़क किनारे सड़क पर ही कंबल डालकर खुले आसमान तले रजाई ओढ़कर केजरीवाल ने जिस तरीके से रात गुजारी, उसने समाज की पीड़ा, असमानता का संघर्ष, सत्ता की तिकड़म या कहें कानून या सिस्टम की दुहाई को ही उघाड़ कर रख दिया? क्योंकि केजरीवाल का रास्ता सत्ता के प्रतिकूल हो या अराजकता के अनुकूल, दोनों परिस्थितियों ने एक सच तो सबके सामने रखा कि चुनी हुई सरकार का हर नया कदम उसके अपने वोटरों की आंखों में सपने ही पैदा कर रहा है, उस पारंपरिक राजनीतिक परिस्थितियों पर उंगली उठा रहा है जिसके दायरे में चुनी हुई सत्ता जनता से सरोकार भूल जाती है। चुनावी जीत का मंत्र हर दाग को छुपा देता है, न्यूनतम जरूरतें सरकारी नीतियों तले दब कर रह जाती हैं। ध्यान दें तो केजरीवाल इसी बिसात पर अपना पासा लगातार फेंक रहे हैं, क्योंकि पहली बार राजनीतिक दल से ज्यादा देश का आम आदमी बेचैन है और केजरीवाल को लग रहा है कि अगर वो परंपरा तोड़ रहे हैं तो हालात उन्हें चाहे अराजक कहें, लेकिन वह उस आम आदमी के करीब हो रहे हैं जिसे राजनेताओं पर भरोसा नहीं रहा या जो राजनीतिक दलों की सियासत से परेशान है। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी है कि केजरीवाल का पासा बिना पूरी तैयारी के राजनीति की ऐसी लकीर खींच रहा है जहां आम आदमी तो हर बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन हर मोड़ पर अब उसके सामने आम आदमी पार्टी विकल्प न होकर आम आदमी पार्टी का विकल्प उसे देखना पड़ रहा है, और इसी का लाभ फिर वही कांग्रेस और बीजेपी उठाना चाह रही है जिसे खारिज करके दिल्ली के वोटरों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता तक